जमुई। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से भारत देश भी चपेट में है। पूरे भारत देश में जहां 20,000 से ऊपर कोरोना के संक्रमित मरीज हो गए हैं, तो वहीं बिहार राज्य में 150 का आंकड़ा छू चुका है। बिहार के 18 जिलों के अलावा 6 जिलों में कोरोना पॉजिटिव कोई संक्रमित मरीज नहीं मिल पाया है। जमुई जिले में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने से जिले को ग्रीन जोन रखा गया है। जमुई जिले को कोरोना संक्रमित से मुक्त करने के लिए कोरोना प्रतिनिधि दिन रात एक ड्यूटी पर लगे हुए हैं। जमुई जिले प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिस विभाग पूरी समन्वय से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात है। जमुई जिले के खेरा प्रखंड में कार्यरत कोरोना वायरस के रूप में तैनात वैसे अधिकारी एवं कर्मियों को जनता द्वारा सम्मान के रूप में पुष्प वर्षा कर सम्मान किया जा रहा है। नगरवासियों ने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान जमुई जिले को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए दिन रात रात दिन एक कर जनता को सेवा में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों को सम्मान कर उन्हें हौसला अफजा करने का कार्य बेहद ही जरूरी है। रिपोर्ट आ रही है जमुई से, संवाददाता विजय कुमार, न्यूज़ 19 के लिए। के खिलाफ लड़ रहे पुलिस प्रशासन महान योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बाजारवासी सब, मतलब नवयुवक बुजुर्ग सबके साथ मिलकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनपे पुष्प वर्षा की गई, ताकि उनका मनोबल बढ़े, हम लोग का भी मनोबल बढ़े, हम लोग को ऐसा करके बहुत अच्छा लगा। और सब मैंने पहले भी किए थे, हाँ, आज सुबह भी किए थे, आज सुबह भी प्रभारी महोदय आए थे, हम लोग का प्रोग्राम था, लेकिन क्या है कि इनका अध्यक्ष जी का आने का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से हॉस्पिटल स्टाफ।